आज हम आपके साथ ब्लू पेंटिंग करने वाले हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम ये कलर लेंगे और ये कलर हम डालेंगे पेपर पर, ठीक है। ये हमने पेपर पर कलर डाल दिया। अब हम इसको स्ट्रॉ लेंगे, इसको अपने मुंह में रखेंगे और इसमें चू करेंगे और ये कलर को फैला देगा। देखिए, देखा आपने किस तरह से हमने ये स्ट्रॉ से कलर को फैलाया है। इस तरह से हम आज पेंटिंग करेंगे। ओके चिल्ड्रन, तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लू पेंटिंग। ओके चिल्ड्रन, आज हम करने वाले हैं ब्लू पेंटिंग। ब्लू पेंटिंग मतलब ये स्ट्रॉ से हम इसमें अपने मुंह से एयर ब्लो करेंगे एंड उससे हमारा कलर स्प्रेड होगा और उससे हम डिफरेंट डिफरेंट तरह की पेंटिंग्स बनाएंगे। ओके, आप अपनी स्केचबुक खोलेंगे। स्केचबुक का जहाँ पे आपने काम किया है उसका नेक्स्ट पेज खोलेंगे, खाली पेज खोलेंगे, ठीक है। एंड उस पर हम करने वाले हैं ब्लू पेंटिंग। ये हमारा पेपर है, इस पर हमने ये देखिए, ये हमारे पोस्टर कलर्स हैं। पोस्टर कलर्स इसमें से हमने एक ड्रॉप इधर डाला है, ठीक है। ये हमने एक दो ड्रॉप्स डाले हैं। अब हम इसको ग्लो करने वाले हैं। ये देखिए, हम इसको अपने मुंह से अभी हम थोड़ा सा कलर और डाल देंगे। थोड़ा ज़्यादा कलर भी डाल सकते हैं ताकि ये सब तरफ स्प्रेड हो जाए। पेपर को आपको जैसे भी घुमाना है आप घुमा सकते हैं, ठीक। अभी हम लेके एक और जगह पे ब्लू कलर डालते हैं। हाँ, ऐसे करके 3-4 ड्रॉप्स डाल सकते हैं आराम से। इसको भी ओके, ये देखिए, ये हमारा ब्लू कलर हो गया है। अब हम लेंगे येलो कलर, ये भी पोस्टर कलर है। इसको भी अच्छा पानी थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे एंड उसको भी हम कुछ ड्रॉप्स, और ये येलो कलर हमने इधर डाला है। अब हम इसको भी ग्लो करेंगे। देखिए, ये हमारा येलो कलर हो गया है। अब हम एक और जगह येलो कलर डालते हैं। इसको भी हम लोग स्ट्रॉ से ग्लो करेंगे। पेपर को घुमा सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम रेड कलर लेंगे। ये हमने रेड कलर लिया है।
सेम इसको भी हमने ये देखिए हाँ। अब हम एक जगह और रेड कलर लेंगे बहुत वाटरी कलर नहीं होना चाहिए नहीं तो अच्छा नहीं बनेगा अब हम लेंगे ग्रीन कलर ये हमारे पास ग्रीन कलर है हमने यहाँ पर ग्रीन कलर लिया है इसको भी अब हम ब्लो करेंगे स्ट्रॉ से ये देखिए अब हम एक और ग्रीन कलर लेंगे ये देखिए ये हमारा ब्लू पेंटिंग हो गया है ये देखिए अब हम इसको कुछ स्टिक्स बना सकते हैं आईज बना सकते हैं इंसेट्स बना सकते हैं ओके ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए फिर हम इसके ऊपर आईज बनाएंगे ओके ये कुछ ड्राई हो गए हैं इनके ऊपर हम आपको ये देखिए इसको आईज बनाएंगे ये देखिए येलो कलर पे देखा आपने अब हमने ये येलो कलर पे भी आईज बनाई है एक्चुअली ये थोड़ा गीला है अभी थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो आप आराम से आईज सब बना सकते हैं ये रेड कलर पे बना रहे हैं हम अभी हमने ग्रीन कलर पे भी आईज बना दिया देखिए अभी हमने रेड कलर पे भी आईज बना दिया ये बन गई हमारी ब्लो प्रिंटिंग ओके अब हम एक और बनाएंगे आप देखिए कैसे बनाते हैं ओके चिल्ड्रन अब हम एक फ्लावर वास बनाने वाले हैं और उसमें हम कुछ फ्लावर्स भी बनाएंगे ये फ्लावर वास है ये आप कोई भी मैगजीन कोई बुक या आपकी कोई घर की ड्राइंग बुक हो पुरानी उसमें से कहीं से भी कटिंग भी कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं ये हमने इसको कटिंग किया है ओके और ये रेडी ये हमारा फ्लावर वास है इसको हम यहाँ स्टिक करेंगे नीचे ठीक है ये हमने फ्लावर वास स्टिक किया अब इसमें हम एक लाइन कर देते हैं ठीक है अब इस लाइन के ऊपर हम कलर डालेंगे और उसको ब्लो करेंगे ये देखिए ये हमने लाइन पे कलर डाला है
थोड़ा थोड़ा ही डालते हैं फिर, और बाद में डालेंगे। अब हम इसको ग्लो करेंगे। अब हम फिर से कलर डालेंगे ऊपर तक। थोड़ा यहाँ भी डाल देते हैं। इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे। ओके, ये देखिए ये हमारी फ्लास्क के लिए स्टिक बन गई है। अब हम इस पर रेड कलर लेंगे और एक ईयरबड लेंगे, उससे हम इसमें फ्लास्क बनाने वाले हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ओके। अभी ये जहाँ भी आप चाहें वो जगह पे आप फ्लावर बना सकते हैं, कोई भी स्टिक के एंड में। अभी हम इसके बीच में येलो कलर भी करेंगे। देख रहे हैं आप, ये हमारे फ्लावर बनते जा रहे हैं। आप कोई भी कलर से फ्लावर बना सकते हैं, येलो से, रेड से। ओके, ठीक है। अब हमने येलो कलर से बनाना है फ्लावर। ये हमने येलो कलर लिया है, अब यहाँ बीच में येलो कलर से बना देते हैं। आप फ्लावर छोटा बड़ा अपनी मर्जी से, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा बना सकते हैं। ठीक, अब हम इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको हम करने वाले हैं ग्रीन। ओके, तो ये हमने ग्रीन कलर लिया है और इसको हम ग्रीन कलर से सेंटर में एक डॉट डालेंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा फ्लावर वास बना है। ओके, तो ये आप अपनी स्केच बुक में बनाएंगे और मजे से इसको ग्रीटिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और आपकी स्केचबुक में अच्छे से बना के संभाल के रखिए। आज हमने ग्लो पेंटिंग सीखी। आप ये अपनी स्केचबुक में कुछ भी ड्राइंग कर सकते हैं, कुछ ट्री बना सकते हैं, प्लांट्स बना सकते हैं, इंसेक्ट्स बना सकते हैं, और इस तरह से आप अपने पेपर पर ग्लो पेंटिंग कीजिएगा। ओके, बाय चिल्ड्रन, टेक केयर।